शादी करवाई है। हम इन सब बातों में नहीं मानते। कौन है तू? मैं कंगना हूँ, कंगना। अगर इन्हें लगता है कि ये हमारे फेरे नहीं करवा सकते तो इन्हें जाने दीजिए। ये मंगलसूत्र सिर्फ स्त्री के सुहागन होने का चिन्ह नहीं है, ये एक शक्ति है। आखिर क्या दुश्मनी है हमसे? क्यों उसकी शादी नहीं होने देना चाहती तुम? क्योंकि जो मेरा है वो किसी और का कैसे हो सकता है? शादी हो गई ना, अब भुगतना होगा उस श्री को, उसके परिवार को। बार बार लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, क्या बताता मैं उन्हें? कहाँ हो तुम? या तो पूरी शादी से तुम गायब थी या फिर वहां होकर भी वहां नहीं थी। तेरा यकीन कीजिए अनंत, वो प्रेतात्मा आजाद हो चुकी है। श्री को नुकसान पहुंचाना चाहती है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा मधु? दिन दिहाड़े सपने देखने लगी हो तुम? मुझसे कहा सो कहा, पर ये बात परिवार में किसी और से मत कह। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी बहन की बीमारी किसी और को लगे और परिवार की सुख शांति भंग हो। अब तुम इस घर की बहू बन गई हो और रघुवंशी खानदान की बहू सबसे पहले घर में आकर यहाँ के मंदिर में भगवान की पूजा करती है। श्री बेटा, कुमकुम और फूल ले और भगवान पर चढ़ा दे। अरे माँ, आप नहीं आएंगी? वो क्या है ना बेटा, सुमति बेन। भाभी, घर में पहला कदम झूठ से शुरू नहीं होना चाहिए। श्री को जान लेना चाहिए कि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। सुमति बेन, हरी तेरा एक लौता बेटा है और उसकी शादी हुई है, तू भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करेगी? हरी की शादी से मैं बहुत खुश हूं, पर ये खुशी इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा गम उन्होंने मुझे दिया है। श्री बेटा, पूजा शुरू करें। परिवार की सुख शांति के लिए तो मैं कर रही हूँ अनंत, प्लीज मुझे मत रोकिए। वो प्रीतात्मा भी यही चाहती है। बस मधु, बहुत मौके दे चुका हूँ मैं तुम्हें, और की उम्मीद मत करो प्लीज। कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ देखता या समझता नहीं। प्लीज मेरा इम्तिहान मत लो मधु, डोंट ट्राई माई पेशेंस। गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा बैठूं जिसका अंजाम। अनंत, जी आया। मान जी, मैं कुछ दिनों के लिए काशी जा रहा हूँ मधु, तो मुझे एक बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा। मान जी, आपके गैर मौजूदगी में वो श्री को कोई नुकसान तो नहीं? जब तक श्री के गले में वो मंगलसूत्र है वो उसे शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, हाँ छल कर सकती है, माया जाल बुन सकती है।
छल कर सकती है, माया जाल बन सकती है। कहाँ रह गई थी मधु? एक मिनट माँ। आनंद भैया, मेरा वेडिंग गिफ्ट कहाँ है? अरे मेरा तो ध्यान से उतर गया। I'm so sorry। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें अभी दूंगा। पक्का? पक्का। मुझसे वादा करिए कि आप मधु भाभी से नाराज नहीं होंगे। तो इस बारे में कुछ मत बोलो। पूरी शादी में यहां नहीं थी। ओहो, तो शादी का सारा इंतजाम कौन कर रहा था? मधु भाभी ही ना। जब इतने बड़े फंक्शन की जिम्मेदारी जब किसी पे होती है तो आदमी इधर उधर हो जाता है। मधु भाभी इधर उधर हो गई होंगी। एक तो सारा काम मधु भाभी संभाले, ऊपर से आपकी डांट भी सहे, ये कौन सी बात हुई? भैया मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा वेडिंग गिफ्ट चाहिए। बोलिए देंगे या नहीं? श्री को कोई बच्चा सकता है तो वो है इसका मंगल सूत्र। उसे कहना ना कि अपना मंगल सूत्र अपने गले से कभी नहीं निकाले। श्री, ये मंगल सूत्र अपने गले से कभी मत उतारना, कभी नहीं। क्या भाभी, पहले श्री के बाबा ने पूरा ज्ञान दिया मंगल सूत्र की महानता पर, अब प्लीज आप भी मत शुरू हो जाइएगा। तो चुप कर हरी, मैं श्री से बात कर रही हूं। मुझे वचन दे श्री। श्री मुझे वचन दे। हाँ भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ। ये नए दूल्हा दुल्हन को कोई वेडिंग गिफ्ट तो दे ही नहीं रहा है, सब वादा लेने में लगे हुए हैं। चलो भाई बाहर चलो, अभी बहुत सारी रस्में बाकी है। चल श्री बेटा। क्या बात है भाभी, आप श्री और हरी के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान लग रही है। इतनी जिद कभी आपने मुझसे तो नहीं की मंगलसूत्र पहनने की। मेरा अंदाजा सही था, इस लड़की के यहाँ आते ही बदलाव शुरू हो गया है। निकिता की बातें कुछ हद तक सही भी तो है। डरी सहमी सी श्री में अकेले प्रेतात्मा का सामना करने की शक्ति है। पता नहीं आगे क्या होगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि जो हो ठीक हो। निहाल, वो डीवीडी लगा दी क्या? जी भैया। भैया क्या बढ़िया आइडिया है, जैसे ही हरी इस कमरे के अंदर आएगा इस रिमोट से डीवीडी स्टार्ट हो जाएगी और फिर श्री भाभी देख पाएगी कि कैसे बचपन में हरी नंगा घुमा करता था। अरे इसके लिए तो मैंने डीवीडी तैयार करवाई है। दर्शन भाई, मेरे पास भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। बोलो। ऐसा करते हैं, चद्दर के नीचे ना पॉपकॉर्न रख देते हैं। हाँ, जैसे हरी भैया आकर उस पर बैठेंगे ना, कुड़ 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 कुड़।
वैसे डैनी भैया इस ब्रह्मचारी का आइडिया एकदम थासू है, चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तैयारियां तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि इससे पहले कभी किसी की वेडिंग नाइट आई ही नहीं। पर कोई फायदा नहीं, उस गंवार को इसकी कोई कद्र समझ में आएगी नहीं। भगवान, मेरी बस यही प्रार्थना है कि श्री और हरि को हमेशा इसी तरह एक साथ खुश रखना। एक मिनट, इस खेल का मजा थोड़ा और बढ़ाने के लिए हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। इस खेल में मुझसे और श्री से पहले अनंत भैया मधु भाभी के साथ और डैनी भैया निकी भाभी के साथ ये गेम खेलेंगे और जो ये गेम हारेगा हम उसे पनिशमेंट देंगे। कैसी बातें कर रहा है तू? शादी तुम्हारी हुई है, रस्म तुम्हारी है। अनंत बेटा, रस्में तो होती इसीलिए कि सब उसका मजा उठा सके, क्या फर्क पड़ता है। और बाद में हरि और श्री भी तो खेलेंगे। आप सबको बताओ, जब अनंत और मधु की शादी हुई थी तो इस खेल में अनंत ही जीता था और तब से लेकर आज तक मधु पे राज करता आ रहा है। और डैनी की बारी में डैनी हारा और निकी जीती, तब से ये निकी का गुलाम है। देखो भाई, आज तुम दोनों के पास एक चांस और है, अपनी अपनी किस्मत बदल दो। आ जा बेटा। ये रही रिंग और अब मैं इसे पानी में डालती हूँ। चलो। इस बार भी हार गई। चल मधु, अब तेरी पनिशमेंट भी सुन ले। बोलो बच्चों, क्या पनिशमेंट देनी है? बड़ी बा, मैं बताऊंगा कि पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। मधु भाभी, चलिए अब आप अनंत भैया की तारीफ में कुछ शब्द कहिए। अब मैं क्या कहूं? इनका नाम है अनंत, लेकिन मेरी जिंदगी की शुरुआत और अंत दोनों यही है। सब कहते हैं मेरे पास घर की खुशियों की चाबी है, लेकिन मेरी सारी खुशियां सिर्फ अनंत से है। सारी दुनिया मुझसे नाराज हो जाए मैं सह लूंगी, लेकिन इनके चेहरे पर एक शिकन भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। क्या बात है? बीवी हो तो ऐसी, क्या बात है? चलो निकी डैनी, अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ। ये मैंने रिंग पानी में डाल दी।
पहले भी जोरू का गुलाम था और आगे भी रहेगा। बोलो बच्चों, क्या पनिशमेंट देनी है? आज तक पापा मम्मी को मनाते आए पर कभी उन्हें डांटते नहीं देखा, तो पापा की पनिशमेंट है कि वो उन्हें डांटेंगे। नहीं 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 नहीं, ये कैसी पनिशमेंट है? नहीं, कोई कोई दूसरा पनिशमेंट दो। पापा, पनिशमेंट इज पनिशमेंट। चलिए शुरू कीजिए। सपोज मम्मा ने गंदा खाना बनाया, तो आप उन्हें कैसे डांटोगे? निकी, ये कितना गंदा खाना बनाया तुमने मेरे लिए। जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा लेके आओ, अभी इसी वक्त, नहीं तो नहीं तो नहीं तो मैं वही खा लूंगा। चलो भाई हरीश श्री, अब तुम्हारी बारी, आ जाओ। और याद रखना ये खेल नहीं है, क्योंकि कहते हैं इस खेल में जिसके हाथ अंगूठी लगती है जिंदगी भर पति पत्नी के रिश्ते पर वही हुकूमत करता है, सारी जिंदगी उसी की चलती है। तो ये खेल खेल नहीं है, जिंदगी भर का सवाल है, ध्यान से खेलना। चला जा। बैठिए। बैठो बैठो। और ये मैंने रिंग पानी में डाला और घुमाया। पागल, रोमांस बाद में करना, पहले रिंग ढूंढ, नहीं तो तू भी डैनी की तरह जिंदगी भर अपनी बीवी की गुलामी करेगा। अरे ढूंढ ढूंढ, ध्यान से ढूंढ, कितना टाइम लगा रहा है? बड़ी भाई इसमें अंगूठी नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो सबके सामने डाली थी, ध्यान से ढूंढ। बड़ी बाबा मैं सच कह रहा हूँ, इसमें अंगूठी नहीं है। काका सही कह रहे हैं, इसमें तो रिंग है ही नहीं। अभी तो श्री ने पानी में हाथ डाला और अभी ही इतनी कीमती अंगूठी गायब हो गई। भाई लगता है आज से इस घर में हम सबको अपने कीमती जेवर संभाल के रखने होंगे। छल लग सकती है, माया जाल बन सकती है। मैं वादा करती हूँ कि अब हरी और श्री की जिंदगी